वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा व तलबात, इस वीडियो में हम टीचर डे पर तकरीर यानी यौम असातिज़ा पर तकरीर देखेंगे। इसे आप मज़मून की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो तकरीर की शक्ल में आप इसे इस तरह से बयान कर सकते हैं। मोहतरम सदर जलसा, तमाम असातिज़ा इकराम, मेहमान खुसूसी और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे बताया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था ज़रा भी इतने बड़े जहाज से। हम सब जानते हैं कि 8/5 सितंबर यानी यौम असातिज़ा का दिन है, जैसे जिसे हम आज़ाद भारत के दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतरी गांव में ग्राम तमिलनाडु में हुआ। वो हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया थे। वो पेशे से एक उस्ताद थे। उनका मानना था कि इंसान और समाज की तरक्की सिर्फ तालीम से ही मुमकिन हो सकती है। वो एक अजीम शख्सियत के हामिल थे और इल्म वो आलिम फ़लसफ़ी और सियासतदान भी थे। उन्होंने बहुत से सामाजिक काम अंजाम दिए, इसलिए उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। इसलिए उनकी सालगिरह को हम यौम असातिज़ा के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, उस्ताद ये लफ्ज़ सुनते ही हमारे दिल में एक शफीक, आलिम और रहबर का ख्याल आता है। बेशक हमें चलना माँ बाप सिखाते हैं, लेकिन सही रास्ता एक उस्ताद ही बता सकता है। उस्ताद एक ऐसी सड़क है जो अपने मुसाफिर यानी तालिबे इल्म को मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। माँ बाप हमें अर्श से फर्श तक लाते हैं, लेकिन वही उस्ताद हमें फर्श से अर्श की बुलंदियों तक पहुंचाता है। इसलिए तो कहते हैं, उस्ताद का मर्तबा माँ बाप के बराबर होता है। उस्ताद और तालिबे इल्म का रिश्ता सीखने सिखाने वाला होता है। हमारे उस्ताद हमारे लिए माँ बाप जैसे भी हो सकते हैं, दोस्त जैसे भी हो सकते हैं और भाई बहन जैसे भी हो सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनसे तुम इल्म सीखते हो उनकी हमेशा इज्जत किया करो, क्योंकि ये किस्मत वालों को मिलते हैं। एक उस्ताद हमारे समाज का आईना होता है, जो मुस्तकबिल में आने वाले समाज को तश्कील देता है। क्या आप जानते हैं कि जब जंग के दौरान हिटलर से कहा गया कि इस जंग में हमारे कीमती लोग मर रहे हैं, तब हिटलर ने जवाब दिया कि हमारे असातिज़ा को बचा लो, क्योंकि असातिज़ा ज़िंदा रहेंगे तो कीमती लोग फिर बन जाएंगे। इस बात से हमें उस्ताद की अहमियत का पता चलता है। उस्ताद की अजमत के बारे में जितना बयान करूं उतना कम है। आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं या चाहती हूं कि जितनी इज्जत और एहतराम अपने माँ बाप का करते हैं, उतना ही हमारे उस्ताद का भी करना चाहिए, क्योंकि हम नसीब वाले हैं जो हमें ऐसे उस्ताद मिले हैं। इस शेर के साथ मैं अपने दो लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। दस्त मासूम को लू हुए कलम देता है, नव नहालों को वो कंदील हरम देता है। रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है।